झारखंड की राजनीति बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की निजी आवास और राजभवन पर केंद्रित रही। हेमंत के आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों की हुई बैठक में हेमंत सरकार 3.0 का पूरा खाका खींचा गया। एक तरफ सुबह से देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर नेता, कार्यकर्ता, मीडिया और आम लोगों की भीड़ डटी रही, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई थी कि चंपाई सोरेन क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नेतृत्व परिवर्तन होगा। सत्ता की कमान क्या हेमंत सोरेन तीसरी बार संभालेंगे। सत्तारूढ़ दल के विधायक सुबह 10 बजे से ही एक एक कर हेमंत आवास पहुंचने लगे थे। हेमंत आवास के अंदर विधायक दल की बैठक करीब 12:30 बजे शुरू हुई। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार सीएम पद के लिए शपथ लेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल में बंद रहने के दौरान झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार के मुकाबले 3 सीटों पर नुकसान हुआ। राज्य में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत सरकार 3.0 के खिलाफ भाजपा परिवारवाद के मुद्दे को भी भुनाएगी। हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा लगातार घेरने में लगी है। भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता। वर्ष 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपाई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से भर भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद ऐसी अटकलें थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपाई सोरेन को सौंपी गई। चंपाई जेएमएम के सीनियर नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपाई का कोल्हान में मजबूत जनाधार है, इस क्षेत्र में नुकसान की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। भाजपा इसे इसी तरह से प्रचारित भी कर रही है। अगर भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है, इससे इंडिया गठबंधन को आगामी चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक करीब 2:30 बजे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद सभी विधायकों ने एक साथ लंच किया। इसी बीच ये खबर सामने आई कि सीएम चंपाई सोरेन देर शाम राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। वहीं हेमंत सोरेन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, कुछ दिन पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे राज्य की जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद हमारे गठबंधन ने यह निर्णय लिया और हमने हेमंत सोरेन को हमारा नेता चुना। अब मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।